रहे हैं लाइव आज हर खबर आप। जनपद बिजनौर चांदपुर नगर के एक महिला ने अपने देवर व दौरानी पर गाली गलौच करने व मारपीट तथा जबरन मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। प्राप्त समाचार के अनुसार चांदपुर नगर के मोहल्ला पतियापाड़ा स्थित हम्बलपुरी निवासी सुमन देवी पत्नी होरन सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर तहरीर में बताया कि उसका देवर नरेश पुत्र फूल सिंह व उसकी पत्नी समलेश तथा दूसरा देवर सुंदर पुत्र फूल सिंह व उसकी पत्नी तारा देवी, यह चारों लोग आए दिन मेरे व मेरे पति के साथ गाली गलौच कर मारपीट करते रहते हैं तथा जबरन हमारे मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मकान छोड़कर नहीं गए तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित सुमन देवी ने चांदपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर उक्त आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। आज न्यूज चैनल में जनपद बिजनौर चांदपुर से रिपोर्टर सलीम अहमद की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुमन। क्या मामला है, आप कैसे कैसे परेशान घूम रही हो? लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते हैं, कब्जा करना चाहते हैं मकान पर। कौन लोग? नरेश, सुंदर, समलेश। क्या लगते हैं आपके देवर? आपने पुलिस में तहरीर दी है? हाँ। फिर क्या हुआ? नहीं सुनाई हुई। आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं। अब क्या चाहते हो तुम? अब चाहते हैं कि आगे की कार्रवाई हो जानी चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं? हाँ।